हे गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी सोच रहा होता है ये सच में डूला और स्टार है मेरा घर, मेरे आसपास वो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, सीगोर्ड लेक को भी जानता हूँ और जो एटर्नल ट्री है उसे भी जानता हूँ। यहाँ पे मेरे को अलर्ट रहने की कोई जरूरत ही नहीं है, ना ही मुझे लड़की के कपड़े डालने की जरूरत है। काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे, ये अच्छा ही होता है घर में रहना। वैसे रेफरी अनाउंस कर देता है कि नेक्स्ट इंसान को बुलाया जाता है। एपिसोड नंबर 186 की स्टार्टिंग होती है, एक इंसान वहाँ पे आ जाता है और बोल रहा होता है कि डियर ब्रदर स्टूडेंट्स, मेरा नाम जांग युआन रोंग है, मैं 4 साल से इनर कोर्ट में हूँ। ऐसे में लंबा नहीं हूँ, पर ऐसा भी बोला जाता है कि छोटे लोग काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। मैं एक ऐसी फीमेल क्लासमेट को फाइंड करना चाहता हूँ जो मेरे से छोटी हो, ताकि मुझे काफी टेंशन ना पड़े कि मैं मतलब छोटा हूँ और वो लंबी हो, मतलब एक तरीके से छोटी लड़की चाहिए गाइस इसे। वो बोल रहा होता है कि ये मेरी मार्शल सोल, वो अपनी मार्शल सोल को रिलीज कर देता है और जिसकी वजह से एक रेनबो ऐसे बन जाता है। जॉनी सोच रहा होता है ये एक्चुअल में अजीब सी मार्शल सोल है, दो मेन एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है ये जो रेनबो मार्शल सोल है, ये नेचुरल कॉम्बिनेशन है लाइट और वाटर का। जब इस तरीके की मार्शल सोल डिस्प्ले हो रही है, मुझे ये चीज पता नहीं कि कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। काफी बड़ा रेनबो बन जाता है। जो लड़कियां होती है वो एक तरीके से काफी ज्यादा एडमायर कर रही होती है उस पावर को, वो इंसान शुक्रिया बोल देता है। फिर से जॉनी आता है, जॉनी बोल रहा होता है कि मेरा नाम लान जॉनी है, हेलो सभी। जो लड़की होती है वो सोच रही होती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है। जॉनी बोलता है कि मैं ब्लाइंड डेट कॉन्फ्रेंस में आज इसीलिए आया हूँ ताकि मैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर पाऊँ, मेरे पास ऑलरेडी एक लवर है, वो तुम में से एक है। बीच में जब से पहली बार मैंने उसे देखा है उसकी जो इमेज थी वो मेरे दिल में छप चुकी थी, इतने ज्यादा साल साथ में वो हमेशा मेरे साथ रही, मेरी ग्रोथ में उसने मेरा साथ दिया, मेरे एडवेंचर्स में मेरा साथ दिया उसने। जब वो मेरे साथ रहती है तो मेरा दिल शांत, काफी ज्यादा शांत होता है। जो गॉड फेट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेरेमनी है हमारी शर्क एकेडमी के लिए और साथ में शर्क एकेडमी के डिसिपल्स के लिए भी। यहाँ पे काफी ज्यादा प्यारे मूवमेंट्स होते हैं प्यार के, यहाँ पे हम अपने एक तरीके से प्यार को सील कर देते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। जो लड़कियां होती हैं वो चुप हो जाती हैं, जो रेफरीज होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि कितना ज्यादा अच्छा है बात करने में, वो लड़की तो कुछ ज्यादा खुश हो गई होगी इसकी बातें सुन के। टांग बुलिन सोच रहा होता है सचमुच वर्दी है मेरा बेटा कहलाने के लिए। तभी एक इंसान बोल रहा होता है जूनियर जॉनी, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट मत हो तुम, तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे जो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी सी गॉड फेट डेटिंग कॉन्फ्रेंस में। जॉनी बोल रहा होता है शुक्रिया ब्रदर मुझे याद दिलाने के लिए, पर वो कभी ऐसा करेगी नहीं, कोई भी उसे मेरे से दूर नहीं कर सकता है। वो सीनियर बोल रहा होता है जूनियर जॉनी तुमको ज्यादा घमंडी नहीं हो। जॉनी बोल रहा होता है ब्रदर मुझे ऐसे ही गुस्सा मत दिलाओ तुम, और तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हो, चलो इस ब्लाइंड डेट को कम्प्लीट करते हैं, क्या लगता है तुम्हें। वो सीनियर सोच रहा होता है ये इंसान इतना सिंपल नहीं है, क्या ये शर्क 7 मॉन्स्टर्स का एक नया पार्ट है क्या। तभी जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि इतने ज्यादा मतलब ये जो यंग बच्चे हैं अच्छे हैं इसमें, चलो नेक्स्ट को लाते हैं। तभी टांग जावडाव आता है और बोल रहा होता है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो तुम में से एक है, मतलब तुम में से एक बीच में है, वही वर्दी है मेरे लिए, तुम बाकी कोई भी नहीं हो। जो लड़की होती है वो गुस्सा हो जाती है, एक बोल रही होती है क्या बोल रहे हो तुम, मतलब एक तरीके से गुस्सा हो जाती है उसके ऐसे एरोगेंट वर्ड सुन के। एक बोल रही होती है कि तुम ये, मतलब तुम सभी के पास गर्लफ्रेंड्स है तो तुम आए क्यों हो सी गॉड फेट डेटिंग कॉन्फ्रेंस में, मुसीबतें लाने के लिए आए हो क्या तुम यहाँ पे। टांसाउडा बोल रहा होता है कि मेरे को आना पड़ा उसकी वजह से, क्योंकि अगर मैं आता नहीं तो उसने बोला था वो मेरे से शादी नहीं करती फ्यूचर में, ये नेसेसरी है सेरेमनी। और रही बात की तुम वर्दी नहीं हो मेरे लिए, वो एक्चुअल में इसीलिए है, मतलब ऐसा बोलो चलो मैं वर्दी नहीं हूँ तुम्हारे लिए, तुम मेरी बातों को ऐसे पसंद नहीं कर रहे हो, पर ये बात रीजन की तुम देख सकते हो खुद ब खुद ही की क्या सीन है, तुम और मैं कंपेटेबल नहीं है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है जो कि एक तरीके से किलिंग इंटेंट ही होता है। जो लड़की होती है वो डर जाती है और सोच रही होती है कितना ज्यादा खतरनाक किलिंग इंटेंट है ये तो डरावना है। जॉनी बोल रहा होता है ट्यान के पास आके कि लड़कियों को डराओ मत तुम, ट्यान बोल रहा होता है ठीक है बॉस, मैं तो यहाँ पे लड़कियों को बता रहा था एक तरीके से कि हम यहाँ पे लड़कियों को तंग नहीं कर रहे हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि जो ब्लडी स्वॉर्ड रोर है और जो डेविल सोल है ये जावडाव की ब्लड स्वॉर्ड है, एक तरीके मतलब फेमस मर्डर वेपन है, ये परफेक्ट मैच है प्याउस जावजू के लिए जिसके पास डेविल मार्शल सोल है, मतलब दोनों कंपेटिबल है, के प्लस ब्लड स्पोर्ट है और दूसरे के पास डेविल मार्शल सोल है, ये दोनों परफेक्ट है एक दूसरे के लिए। इन्हें इंटरनल डाइजेशन भी बोल सकते हैं 33 स्काइविंग्स के, मतलब ये भी 33 स्काइविंग्स का एक पार्ट होता है। रेफरी बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो जूनियर है उसके पास ऑलरेडी पार्टनर है, चलो नेक्स्ट को देखते हैं। फिर ल्यू फेंग की बात आती है, ल्यू फेंग सभी को हेलो बोलता है और बोलता है कि मेरा जो मार्शल सोल है वो व्हाइट ड्रैगन स्पेयर है,
मेरे पास 8 रिंग्स हैं। तो आनी सोच रहा होता है कि जो मेथड था ड्रैगन पावर क्वेंचिंग का, उसकी वजह से ल्यू फेंग की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा ग्रो हुई, खासकर उसकी ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन भी। इस पीरियड में बाइजुजू के अलावा इसने भी काफी ज्यादा बेनिफिट किया बॉडी टेम्परिंग की वजह से। मुझे ये भी नहीं पता इस टाइम पे कि किस लेवल पे ल्यू फेंग की स्ट्रेंथ होगी इस टाइम पे। तभी टियान पूछता है कि बोस, ऐसे लग रहा है कि ल्यू फेंग ज्यादा नहीं सोच रहा है, मतलब इस सेरेमनी को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है। ज्वानी बोलता है, वेल ये ज्यादातर कल्टीवेशन के ऊपर ही फोकस करता है, ये ज्यादा इन चीजों में सोचता नहीं है ऐसी चीजों में। पर बात वही है ना कि ये इतना स्ट्रांग नहीं है जितना ये खुद को सोचता है, हमें इससे बात करनी पड़ेगी बाद में, इसे थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भी फोकस करना पड़ेगा। ट्यान बोल रहा, तो बोस तुम तो कुछ ज्यादा कमाल की हो। ज्वानी बोलता है कि मेरी तारीफ करना बंद करो, तुम्हारी बॉडी टेम्परिंग ट्रेनिंग कैसे चली हुई है। ट्यान बोल रहा होता है, तुम्हें पता ही है ऑलरेडी कि जो ब्लड स्पोर्ड है वो किलिंग इंटेंट से एक्टिवेट होती है, और जो बॉडी टेम्परिंग है वो भी किलिंग इंटेंट से एक्टिवेट होती है। मेरी बॉडी को किलिंग इंटेंट से टेम्पर करना काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है, मुझे डर है कि मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैं ऐसे करता रहूंगा। तो टाइम के साथ ही कर सकता हूँ, मतलब मैं धीरे धीरे ही। ज्वानी बोलता है अच्छा। ट्यान बोलता है कि फिर भी हम पर्पल डिमन आइज को रिसेंटली प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, जो स्पीड है स्पिरिचुअल पावर की इम्प्रूवमेंट की वो जरा भी बुरी नहीं है, हम धीरे धीरे स्टेप ले ही रहे हैं। ज्वानी बोल रहा होता है कि जावड़ाओ, मैं रिसेंटली एक एबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिसे गॉड डिस्ट्रॉइंग थंडर भी बोलते हैं, जो कि एक तरीके से सेम है गॉड लेवल थंडर डिजास्टर की तरह, जो कि तब होता है जब गॉड लेवल मेटल को फोर्ज किया जाता है। बताओ मुझे, क्या मैं उस एलिमेंटल थंडर ट्रिब्यूलेशन को तुम्हारी बॉडी को टेम्पर करने के लिए यूज करूं? क्या वो इफेक्टिव होगा? शायद वो चीज तुम्हारी किलिंग इंटेंट को दबा के रखने के लिए काम आएगी। ध्यान डर जाता है और बोल रहा था, बोस मुझे माफ कर दो, जो मेरी मार्शल सोल है वो दो डार्क मतलब एलिमेंट से बनी हुई है, अगर तुम मुझे गॉड डिस्ट्रॉइंग थंडर दोगे तो मुझे लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं पक्का ही हार्ट मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। जॉनी सोच रहा होता है कि 33 स्काई विंग्स में ज्यादातर लड़के ही हैं, 2/3 लड़के ही लड़के हैं और बाकी जो है वो लड़कियां हैं। बात ऐसी है कि इंसान ज्यादा और खाना कम है, 1-on-1 भी काफी ज्यादा मुश्किल है ना, मतलब ये दूसरे तरीके में देख रहा था। तभी हमें काफी ज्यादा टाइम बाद युआनन हुई दिखाई देता है। युआनन हुई बोल रहा होता है कि मैं युआनन फैमिली से हूँ, वेल जो मेरी मार्शल सोल है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिंपल से बोलता हूँ कि वो एक बोर एरो की टाइप का है। आज मैं ये होप करता हूँ कि जो मेरा एरो है वो किसी दूसरे इंसान के दिल से कनेक्ट हो सकता है। बात यह है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अच्छे से अपने इमोशंस को नहीं बता सकता है, पर आज मेरी अपॉर्चुनिटी आई है मतलब बताने की, तो मैंने हिम्मत की है और मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं उसे बता सकूँ कि मैं सच में उसे कुछ ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मैं ये होप करता हूँ कि वो भी मुझे प्यार करती होगी। शुक्रिया। पहले इसने भी कोई लड़की ढूंढ ली है गाइस। जॉनी हैरान हो के बोलते क्या क्या चल रहा है, ऐसा कौन आ गया जिसे ये पसंद करता है। ट्यान बोल रहा होता है युआनन सच में काफी ज्यादा अच्छे से छुपा के रख रहा था चीजों को। तभी क्वानली युआनन के पास जाके बोल रहा होता है कि युआनन बच्चे तुमने कर दिखाया, तुमने कब उस इंसान को ढूंढ लिया जिसे तुम पसंद करते हो, तुमने क्या कोई सीक्रेट लव या फिर मतलब क्या सीन है तुम्हारा। युआनन बोल रहा होता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। क्वानली बोल रहा होता है ठीक है तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैं बताता हूं इन्हें कि इंट्रोडक्शन कैसे दी जाती है। अब मैं करता हूं, वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और गोरिल्ले में कन्वर्ट हो जाता है। जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि ये पागल क्या कर रहा है, ये किस तरीके की स्किल यूज कर रहा है, तो कुछ ज्यादा डरावनी है। जो रेफरी होता है वो बोल रहा होता है ये कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है। ज्वानी सोच रहा होता है कि ये फाइटिंग मूड में है, ऐसा लग रहा है देख के कि किसी को खा जाएगा, ये हमें ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आया, ये कैसी हरकतें कर रहा है। क्वानली ने एक लात ऊपर उठाई होती है और वो बोल रहा होता है मैं क्वानली हूँ, मैं एक नया मेंबर हूँ इनर कोड का, मैं स्ट्रेंथ में अच्छा हूँ, अटैक्स में अच्छा हूँ और मेरे पास और भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एबिलिटीज़ हैं, पर तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक इंसान है जिससे मैं पसंद करता हूँ। वो हंस रहा होता है। जो लड़कियाँ होती हैं वो चुप हो जाती हैं और कुछ बोलती नहीं है। जानियो और बाकी भी एम्बेरस फील कर रहे होते हैं। रेफरी बोलता है ब्रदर शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम, अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मुझे लगता है जो तुम्हारा लवर है वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। क्वानली बोलता है ब्रदर क्या तुम मेरी हैंडसम हरकतों से जेलस कर रहे हो। रेफरी गुस्सा होकर बोल रहा होता है कौन जेलस कर रहा है तुमसे। तभी आनंद क्वानली के पास आ जाता है और बोलता है ब्रदर मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है। क्वानली बोलते क्या क्या बोल रहा है, मैं कुछ ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ क्या, क्या बात कर रहे हैं सारे। तभी आनंद क्वानली को बोलता है कि बड़े हो जाओ, जब सब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देंगे फर्स्ट सेशन में तो जो गर्ल्स होंगी वो डिसाइड करेंगी कौन इंसान से ये कौन नहीं, ये तुम्हारे जजमेंट के ऊपर नहीं होगा। अगर कोई भी लैंप पोस्ट पे नहीं रहेगी लड़की तो इसका मतलब लड़का एलिमिनेट हो जाएगा, अगर तुम ऐसी हरकतें करते रहोगे तो मुझे लगता है कोई भी लड़की लैंप पोस्ट पे रहेगी नहीं, तुम बाहर हो जाओगे। क्वानली बोल रहा होता है क्या वो सभी चल गई, मेरे पास
मैंक्विन है अभी भी। ज्वानन बोल रहा होता है कि तुम लकी होगी, तुम्हारे पास मैंक्विन है। क्वानली बोल रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है। ज्वानी सोच रहा होता है कि मुझे क्यों एक फादर की जैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। रेफरी बोल रहा होता है ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मोमेंट है वो आ गया है और अब टाइम है लड़कियों के आने का। लड़की बोल रही होती है रेफरी कि जो रूल्स हैं इससे जो लड़कियां हैं हमारी उन्हें पता लग गया लड़कों के बारे में, एक तरीके से लड़कों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था।